तो ये है डाउन रेंज मूवी और मूवी स्टार्ट होती है सुनसान हाईवे से, जहां से गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही होती है। लेकिन तभी गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है, गाड़ी अनकंट्रोल होकर इधर उधर जाने लगता है। किसी तरह ड्राइवर गाड़ी को संभाल कर गाड़ी से नीचे उतरता है, साथ ही गाड़ी में सवार बाकी लोग भी बाहर निकलते हैं। तब यहाँ पता चलता है वे सभी दोस्त हैं, जिनमें तीन लड़के और तीन लड़कियां हैं। उन सभी का नाम एरिक, जूडी, जेफ, कैरेन, टोड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा होती है। सभी जूडी की बहन की शादी में उन्हें सरप्राइज देने के लिए जा रहे होते हैं। वे गाड़ी अंदर से दूसरा टायर निकालते हैं और फिर पंचर टायर बदलने लगते हैं, क्योंकि वे जान चुके थे इस सुनसान हाईवे में उनके अलावा और कोई नहीं है और न ही यहाँ आसपास कोई नेटवर्क है। अब सभी मिलकर कार को ठीक करने लगती है। जेफ टायर को चेंज करने लगता है, वहीं उसके सभी दोस्त धूप के कारण कार के पीछे छिप जाते हैं। एरिक बाथरूम करने जाता है, इधर जेफ को टायर बदलते वक्त उसमें से एक बुलेट मिलती है, जिसे देख उसे लगता है शायद किसी ने उनकी कार को जानबूझकर पंचर किया है। पर आसपास का एरिया पूरी तरह सुनसान होने के कारण वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तभी टोड की नजर सड़क पर लुढ़क रही टायर पर पड़ती है, टोड जल्दी उसके पीछे जाता है। फिर जब सारा जेफ को देखने पीछे जाती है तो वहाँ जेफ को मरा हुआ पाती है। दरअसल किसी ने जेफ के सर को गोलियों से छल्ली कर दिया था। इससे पहले कि वो दोस्तों को कुछ बता पाती, उससे भी कहीं से गोली जा लगती है, जो उसके दोनों आंखों को चीरती हुई पार हो जाती है। ये सब देख बाकी दोस्तों में दहशत छा जाता है। कैरेन, जोडी और टोड को तुरंत कार के पीछे छिपने को बोलती है, वो समझ चुकी थी कोई छिप कर उन्हें मार रहा है। दोनों जल्दी से कार के पीछे छिपते हैं और इससे पहले कि टोड छिप पाता, गोली उसके कंधे पर जा लगती है, वो जख्मी हो जाता है। वहीं एरिक कार से दूर होने के कारण गोलियों से बचते हुए पेड़ के पीछे छिप जाता है। शूटर एरिक को मारने की कोशिश करता है, पर पेड़ के कारण एरिक को गोलियां नहीं लगती। फिलहाल सभी शूटर से बचे हुए थे, वे सभी समझ जाते हैं वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके पास मोबाइल तो होता है पर उसमें जरा सा भी नेटवर्क नहीं होता, उन्हें समझ नहीं आता आखिर वे सभी यहाँ से निकलेंगे कैसे। तब टोड सेल्फी स्टिक से मोबाइल अटैच करके ऊपर नेटवर्क खोजने की कोशिश करता है, लेकिन शूटर गोली से मोबाइल को चकनाचूर कर देता है। सभी पूरी तरह परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता आखिर यहाँ से बचकर निकले कैसे। टोड सबसे कहता है हमें किसी तरह इस जगह को चेंज कर दूसरी जगह पहुँचना होगा जहाँ शूटर गोली न चलाने पाए। सभी पहले ही समझ चुके थे शूटर बहुत सातिर है, उसका निशाना कभी चुकता नहीं है। जोडी शूटर का लोकेशन पता लगाने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कर उसे कैमरा से ढूंढने लगती है। वहीं कैरेन अपना जैकेट बाहर दिखाती है ताकि शूटर उस पर गोली चलाए। इधर टोड कार अंदर जाता है क्योंकि जेफ ने टायर लगा दिया था, पर तभी शूटर उस पर गोलियां बरसाने लगता है। टोड किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए कार के पीछे छिप जाता है। जोडी सभी को अपने मोबाइल में कैद शूटर का वीडियो दिखाती है, जिसे देख सभी समझ जाती हैं शूटर किसी पेड़ के ऊपर से बैठकर उन पर गोलियां बरसा रहा है। पर सवाल ये था आखिर शूटर ऐसा कर क्यों रहा था। वे सभी वहां से निकलने का हर संभव प्रयास कर चुके थे पर वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। अब टोड अपने हाथ में स्क्रू बॉक्स को बांध लेता है, फिर तीनों मिलकर कार को न्यूट्रल करके आगे धक्का मारने लगते हैं, क्योंकि शूटर उन्हें कभी भी मार सकता था। लेकिन एरिक कभी भी उसी पेड़ के पीछे छिपा होता है। इसी दौरान शूटर को अपना गन लोड करते हुए दिखाया जाता है। तब एरिक इसी मौके का फायदा उठाकर तेजी से गाड़ी की ओर भागता है, पर तभी शूटर एरिक पर गन चलाने लगता है। एक गोली उसके पैर पर जा लगती है, लेकिन एरिक हिम्मत करके अपने दोस्तों की ओर बढ़ता है, पर दूसरे पैर पर दोबारा गोली लगने से वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। अब लंबे समय से यहाँ फंसे रहने और बिना खाना पानी की उनकी हालत खराब होने लगती है। पर तभी टोड को कार अंदर एक पानी का बॉटल मिलता है और फिर बचा हुआ पानी एरिक की ओर फेंकते हैं। एरिक पूरी तरह जख्मी हो चुका था पर फिर भी किसी तरह हाथ से पानी पीने की कोशिश करता है। इतने में शूटर सीधे एरिक के हाथ में गोली मारता है, जिससे बॉटल उससे दूर चली जाती है और एरिक की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। ये सब देख टोड पूरी तरह टूट जाता है, वो बिना किसी गार्ड के कार से बाहर आ जाता है सीधे शूटर के रेडार में, लेकिन शूटर उसे शूट नहीं करता। टोड सारा के पास आकर उसके हाथ को पकड़ कर किस करता है और उसके पास ही बैठ जाता है। इधर एरिक देखता है जंगल से एक भेड़िया उसकी ओर बढ़ रहा है, सोचता है शायद अब वो बच नहीं पाएगा, लेकिन भेड़िए के पास आने से पहले उसकी मौत हो जाती है। ये देख टोड टूट जाता है, उसे शूटर पर गुस्सा आ जाता है। इतने में वो देखता है हाईवे में एक कार उसकी ओर बढ़ रही है। टोड कार को आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन शूटर उसे गोली मारकर घायल कर देता है और उसे रोड से हटाने लगता है। कार
कार तेजी से आगे बढ़ रही होती है, तब शूटर टोड के सीने में गोली मारकर उसे निपटा देता है, जिससे टोड की वहीं सारा के बगल में मौत हो जाती है। इधर कार तेजी से उनकी ओर आ रही होती है। कार में एक फैमिली होता है जिसमें एक पेरेंट अपनी बेटी के साथ कहीं जा रहे होते हैं। महिला गाड़ी चला रही होती है, तभी उसे रास्ते में कुछ लोगों की लाश मिलती है। वो इससे पहले कि अपने पति को कुछ बताती, शूटर गोली से महिला को छल्ली कर देता है, जिससे कार अनकंट्रोल होकर वहीं पलट जाती है। कार में बैठे तीनों लोग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। महिला किसी तरह कार से बाहर निकलती है और अपने पति तथा बेटी को खोजने लगती है। इस दौरान कैरन और जूडू से कार के पीछे छिपने को बोलते हैं, लेकिन महिला कुछ समझ नहीं पाती और इधर शूटर बंदूक लोड करके महिला को भी मार डालता है। वहीं महिला का पति कार से बाहर निकलता है, तब जोड़ी फिर उसे कार के पीछे छिपने को समझाती है। आदमी को भी उनकी बात समझ आ जाती है, वो कार के पीछे छिप जाता है। कैरन और जोड़ी उसे पुलिस को कॉल करने को बोलते हैं ताकि वे सभी बच सके। आदमी भी ऐसा ही करता है, वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी शूटर कार के टैंक में गोलियां बरसाने लगता है, जिससे कार ब्लास्ट हो जाती है और आदमी भी जलकर राख हो जाता है। इधर आदमी की बेटी हाईवे के किनारे बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है, लेकिन जब लड़की को होश आता है तब शूटर उसे भी गोली से भून देता है। लड़की तुरंत वहीं मर जाती है। अब जोड़ी और कैरन को दिखाया जाता है जो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें भी लगने लगता है उन्हें शूटर मार डालेगा, लेकिन कैरन हार नहीं मानती। वो प्लान बनाते हुए कहती है, हमें रात का इंतजार करना चाहिए ताकि हम शूटर से अंधेरे में बचकर भाग सके। अब रात होने पर कैरन और जोड़ी प्लान को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। कैरन टायर निकालकर उसमें से ट्यूब अलग करती है, फिर कार के अंदर ही ट्यूब को जलाकर रख देती है ताकि चारों ओर धुआं फैले और वे भाग सके। शूटर जो पेड़ के ऊपर बैठा उन दोनों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था, उसे भी कुछ नहीं दिखाई देता, बस चारों ओर धुआं ही धुआं होता है। जोड़ी और कैरन मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी दिखती है जो उनकी ओर ही आ रही थी। गाड़ी अंदर मौजूद दोनों पुलिस वालों के पास स्नाइपर मौजूद थे, पर उन्हें भी नहीं पता था शूटर कहाँ है। यहाँ पता चलता है आदमी ने मरने से पहले ही पुलिस को सारी चीजें बता दी थी, इसलिए पुलिस वाले वहाँ आए थे। गाड़ी में बैठा एक ऑफिसर बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन तभी शूटर उस आदमी को मार गिराता है। पुलिस गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और शूटर उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। ये देख कैरन और जोड़ी पूरी तरह डर जाते हैं। कैरन जल्दी से जंगल की ओर भागने के लिए कहती है ताकि दोनों शूटर से बच सके, लेकिन यहाँ जोड़ी डर से कांप रही होती है, वो वहाँ से हिलती तक नहीं। तब कैरन जल्दी से अकेले ही जंगल की ओर भागने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर शूटर उसे भी मार गिराता है। इधर पुलिस गाड़ी जोड़ी के बेहद करीब आ जाता है। जोड़ी भाग कर जल्दी से पुलिस गाड़ी के पास पहुँच जाती है। जोड़ी गाड़ी अंदर मौजूद पुलिस को शूटर का लोकेशन बताते हुए कहती है, वो पेड़ से लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है और हमारे ग्रुप में सिर्फ मैं ही बची हूँ। जोड़ी दोनों को वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो दोनों पुलिस तो शूटर को हर हाल में मारने की सोच रहे थे, क्योंकि शूटर ने उनके दोनों साथियों को निपटा दिया था। दोनों ऑफिसर शूटर पर फायरिंग करने लगते हैं, पर शूटर को एक भी गोली नहीं लगती। दरअसल उन दोनों को शूटर का एक्चुअल लोकेशन नहीं पता था। शूटर उन दोनों पुलिस वालों को भी एक एक कर मार देता है। इससे जोड़ी और भी ज्यादा डर जाती है। वो हाईवे पर सिर्फ अकेली ही बची थी, लेकिन अब जोड़ी बड़ी हिम्मत से काम लेती है। पुलिस गाड़ी में बैठकर तेजी से भागने लगती है। शूटर भी तेजी से उस पर फायरिंग करने लगता है और उसमें से एक गोली जोड़ी के सीधे कंधे पर जा लगती है। गाड़ी पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है और सीधे उसी पेड़ से जा टकराता है जहां से शूटर लोगों को निशाना बना रहा था। गाड़ी के पेड़ से टकराने के बाद शूटर पेड़ से नीचे गिर जाता है। मौका मिलते ही जोड़ी दूर गिरी स्नाइपर गन उठा लेती है। अब शूटर हाथ में चाकू लिए तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। उससे लगता है जोड़ी डर के कारण उस पर गोली नहीं चला पाएगी, लेकिन होता उल्टा है। जोड़ी तुरंत 3-4 गोली शूटर पर दाग देती है। शूटर वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। अब जोड़ी गुस्से में और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। स्नाइपर को उल्टा कर शूटर का सिर कुचलने लगती है, लेकिन तभी स्नाइपर की ट्रिगर दब जाती है और एक गोली सीधे जोड़ी के गले पर जा लगती है। जोड़ी वहीं तुरंत मर जाती है। अंत में कोई नहीं बच पाता और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि एक इंसान कितना नीचे गिर सकता है, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करिए।